हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पार्थ मंडल एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ट्राइंगल्स के बारे में तो आप लोगों ने सब कोई पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है क्या है ट्राइंगल्स। तो नॉट टू वरी, आज मैं बताने वाला हूँ ट्राइंगल्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। ट्राइंगल्स बेसिकली ट्राई और एंगल्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें ट्राई जो है वो थ्री होता है और एंगल्स का मतलब जो एंगल्स है। तो ट्राई एंगल्स का मतलब एक ऐसा शेप, ए शेप विथ थ्री एंगल्स, एक ऐसा शेप जिसका थ्री एंगल्स हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग तीन लाइन ले लेते हैं, एक लाइन रेड, ग्रीन और येलो, तो ये लाइन जो है, ये रेड और ग्रीन लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और इसे कहा जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब रेड और येलो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कोई इस पॉइंट पे, ठीक है, और येलो और ग्रीन लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। सो The intersecting point are known as vertex. जो intersecting point है उसको vertex बोला जाता है, ठीक है, single word, single intersecting point को vertex बोला जाता है, और तीनों को मिला के यहाँ पे बोला जाएगा vertices, okay? Next, a triangle has three vertices, three sides and three angles. ठीक है, एक triangle के पास तीन vertices होता है, तीन sides होता है और तीन angles होता है, ठीक है। तो ये एक triangle है जिसमें मेरा एक वर्टिस है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी, क्लियर। सो इस ट्राइंगल का वर्टेक्स जो हो गया, ये तीन वर्टेक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, थ्री साइड्स, ठीक है, तो एक ट्राइंगल के पास वर्टिसेस होता है ए बी सी। सो डिस्टेंस पॉइंट ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो एक साइड हो गया। पॉइंट बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो एक साइड हो गया, और पॉइंट सी से लेके ए तक का जो डिस्टेंस हो गया वो तीसरा साइड हो गया। सो ए बी बी सी सी ए, ये थ्री साइड्स है। नेक्स्ट, थ्री एंगल्स। सो यहाँ पे एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। सो दिस एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर थ्री एंगल्स, ओके। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।